असलम सैलाब बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में और जितने लोग मुतासर हो चुके हैं उससे इकानमी की सूरत हाल के ऊपर भी लोगों को काफ़ी तशवीश है कि पाकिस्तान इस साल कहाँ खड़ा होगा जब तीस जून दो हज़ार तेईस 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 को हम इस माली साल का कर अख्ताम करेंगे बड़ी फसलों में अगर हम देखें तो कपास की फ़सल मुकम्मल तौर पर इस वक्त नुकसान में जा चुकी है वीट के ऊपर एक उम्मीद है कि सैलाबों के बाद पानी अगर वक्त पे उतर जाता है तो गंदम की बुवाई के बाद फसल अच्छी हो जाएगी लेकिन सब्जियों की मौजूदा सूरत हाल अनाज जो स्टॉक में था उसके ऊपर जो पानी फिर गया उसके बाद काफ़ी महंगाई का एक शदीद दबाव मौजूद है और पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर दबाव है वो भी अभी कंटिन्यू करता है इस तरह नज़र आता है कि अगर आपकी फ़ूड इम्पोट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं तो रुपया पहले ही दबाव का शिकार है उस पर मज़ीद दबाव बढ़ सकता है आज हमने उसकी कुछ रिफ्लेक्शन देखी है मार्केट के अंदर के से दो इसके ऊपर इंटरबैंक में डॉलर की क्लोजिंग हुई है लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो रुपया था वो 232 233 के ऊपर आ गया तो आईएमएफ से एग्रीमेंट के बाद जो उम्मीद बनी थी कि रुपये और डॉलर की जो शराह है उसके अंदर थोड़ा सा इसकाम आएगा पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसका दबाव बहुत ज़्यादा है हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं जिसमें फ्यूल ऑयल भी शामिल है हमारी बहुत सारी कमोडिटीज़ बाहर से आती हैं रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं तो जैसे जैसे रुपया नीचे गिरता है वैसे वैसे इम्पोर्टेड इन्फ्लेक्टर

आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव मजीद ऊपर जा सकता है और ये सूरत हाल सियासी अतबार से भी बेयकनी का सबब बन जाती है तो सियासी बेयकनी से अब तरी पैदा होती है मार्केट के अंदर लेकिन अगर डॉलर गिरता जाए महंगाई ऊपर बढ़ती जाए तो उससे भी सियासी बेयकी पैदा हो जाती है क्योंकि आपको कहीं इसकाम वाली फीलिंग आती नहीं है आज के प्रोग्राम में इन्हीं इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान वफाकी वजी खजाना मफ्ता इसमाइल साहब मफ्ता साहब बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं शायद किसी फाइनेंस मिनिस्टर को इतने डिफ़िकल्ट चैलेंजेस नहीं मिले होंगे जितने आपको मिले आपने उनको टैकल भी किया लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहां मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है किया जा सकता था और अभी और बहुत करना पड़ेगा उसमें एक महंगाई है और दूसरा एक्सचेंज रेट है कैसे टैकल करेंगे दोनों का शुक्रिया नदीम भाई और बड़ा जाम इब्तदाया था आपका एंड आई थिंक आपने सही तरीके से इशूज़ हाईलाइट लाइट कर दिए हैं देखिए जब हमारी हुकूमत आई है तो सबसे जो उस वक्त देर दरपेश मसला था वो डिफ़ॉल्ट का था हमको नज़र आ रहा था कि इमिनेंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा मुल्क का इसीलिए मैं दूसरे दिन ही चला गया था आई एम एफ आज हल्फ उठाया दूसरे दिन शाम को चला गया था और दस अरब डॉलर उस वक्त आपके पास रखे हुए थे और आपके सामने पैंतीस अरब डॉलर का ख़र्चा नज़र आ रहा था टिल द नेक्स्ट ईयर तो वो इम्पॉसिबल सिचुएशन थी जब डिफ़ॉल्ट बचाने गए तो उन्होंने कहा यू नो के करेंसी में मार्केट में इंटरवान ना करो आ, उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा करो उन्होंने कहा बिजली महंगी करो गैस महंगी करो वगैरह 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 अरे करके आएंगे फिर देंगे नहीं तो नहीं करो तो बात भी ना करो ठीक है दूसरा उन्होंने एक ये बात भी कही कि अच्छा आप नहीं करते तो ना करो देखेंगे हम कितने दिन तक आप चलते हो अगले महीने से तो आपकी एल भी नहीं खुलेगी और ये मैं जानता हूँ और अल्लाह जानता है कि एक एल खोलना मुश्किल हो जाती थी पी की एल सी करवाने के लिए वजीर ख़जाना को फ़ोन करने पड़ते थे एल सी खुलवाने के लिए वजीर दफा और वजीर पेट्रोलियम पाकिस्तान के बाहर दूसरे ममालिक में गए हैं बहुत हमने मेहनत करी है इस पर कि हमने सप्लाई चेन नहीं टूटने दी बिजली और अभी गैस की पेट्रोल की डीज़ल की चलने दी सप्लाई सब जो अगस्त का महीना था शायद ये आप लोग ऊपर वाले चांदे जानते थे कि वो महीना कैसे पार किया गया बिल्कुल ऐसे था मतलब कि सीरियसली अल्लाह ताला ने सब करवा दिया लेकिन हमने ये डिफ़ॉल्ट से बचाना मुल्क को उस वक्त बहुत मुश्किल था एल सियाँ खोलना मुश्किल थी सप्लाई चेन को बहाल करना मुश्किल था पेट्रोलियम यहाँ पे सत्तर सत्तर रुपए का नुकसान भी हो रहा था लेकिन फिर भी सप्लाई चेन को बहाल करना था बहरहाल वो एक एक मामला तय किया जब आपने इतनी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ाई है तो दस परसेंट हमारी एनर्जी की जो इन्फ्लेशन के अंदर सी पी आई के अंदर दस परसेंट जो है वह एनर्जी का नंबर है तो उसका अफेक्ट तो आएगा क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में इस साल में इफेक्ट है लेकिन मंथ टू मंथ हम देख रहे हैं कि पहले अगर मई से जून छः फीसद महंगाई थी और जून से जुलाई चार फीसद महंगाई थी तो जुलाई से अगस्त से जुलाई जो है वो दो फ़ीसद महंगाई थी अल्लाह करेगा तो ये आस्ते आस्ते टेपर होगा पहला हमारा जो काम था वो डिफ़ॉल्ट से बचाना था वो हमने कर लिया दूसरा काम अब इन्फ्लेशन का है और इन्फ्लेशन के बाद हम ग्रोथ को देख रहे थे अब इस दरमियान जो है वो फ्लड्स आ गए ठीक है अब आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इस वक्त आईएमएफ हो गया फिर डॉलर क्यों नीचे नहीं जा रहा और मतलब बिल्कुल जाना चाहिए दो सौ बत्तीस तैतीस पे चला गया जाना मार्केट के अंदर इतनी स्पेकुलेशन अब, अब, अब जी अब लेकिन अब देखिए ना ये चीज होती है सर सप्लाई डिमांड से आपको ये भी पता है कि बहुत सारी हमने डिमांड रोकी हुई है मैं एलसियाँ नहीं खोलने दे रहा हूँ स्टेट बैंक नहीं मतलब बहुत कुछ दिस इम्पोर्ट बिजनेस वालों को इस वक्त एलसियाँ खोलना मुश्किल हो रही है हम कब कोटे हमने सेट करे हुए वगैरह वगैरह गाड़ियाँ मंगवाना पाकिस्तान में नामुमकिन हो चुका है नई गाड़ियाँ सिक्योटी गाड़ियों की कमी कर दी टेलीफोन की कमी कर दी बहुत सारी चीज़ें कर दी क्यों की हैं ये चीज़ें वो इसलिए किए हैं कि अगर आपके पास दस बिलियन डॉलर रह गए हों और आपकी कॉटन कपास की पूरे सिंध की क्रॉप ख़त्म हो गई है तो पहले मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कपास मंगवाना होगी या गाड़ियाँ मंगवाना होगी अगर आपके पास ये चांस कम है कि वीट शायद हो सकता है हो सकता है अल्लाह करेगा तो लग जाएगा लेकिन हो सकता है कि वीट ना लग सके तो इस वक्त आपको वीट खरीदना जरूरी है तो पहले जो है वो शबाज शरीफ की प्रायोरिटी वीट मंगवाना होगी बनस्बत के मर्सिडीज़ गाड़ी मंगवाना हो तो इसलिए हम इस तरह चल रहे हैं अब अब क्यों जा रहा है रुपया ऊपर मैं इसकी भी बात दो सौ से दो सौ मार्केट इन ओपन मार्केट में गया इसके ऊपर मैं तो पर मैं तो एटलीस्ट कम्फर्टेबल नहीं फील कर रहा मुझे लगता था कि इसमें डंडा हाथ में पकड़ के खड़ा हो जाना चाहिए कि क्या कर रहे हो मार्केट में देखिए मैं आपको दो तीन गुजार शुरू करता हूं आ, एक तो आप ये बात ये जो मैं सिर्फ मैं इंटरबैंक मार्केट की बात कर रहा हूं फिर कर्व मार्केट पे आ ठीक है इंटरबैंक मार्केट क्यों ऊपर जा रही थी आईएमएफ के बाद जबकि नीचे एक्सपेक्टेशन कर रहा था मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन जब आपके पास ये रिपोर्ट आना शुरू हुई कि पूरे की पूरी फसल जो है वो कपास की खत्म हो गई तो सारे लोग जो बैठ के कारोबारी लोग हिसाब कर रहे होते हैं वो बोल रहे थे कि यार दो मिलियन बेल इनको कपास की एडिशनल इम्पोर्ट करनी होगी ठीक डेढ़ दो अरब डॉलर की कॉस्ट बढ़ गई बढ़ जाएगी ठीक मोटा साहब अच्छा उसके बाद फिर आपको पता चली कि भाई वीट हुकूमत ने वन पॉइंट एट हंड्रेड थाउजेंड डॉर्स हुकूमत में वीट मंगवाना है भाई वो कॉस्ट भी बढ़ गई ठीक है वो वो जैसे साढ़े तीन चार सौ मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आ गई गंदम को छोड़ के और कपास को छोड़ के प्याज है टमाटर है दीगर चीज़ें हैं वो वो महंगी पड़ गई रिकन्सट्रक्शन का पाकिस्तान में जब रिकन्स्ट्रक्शन होगा तो खर्चे होंगे बहुत सारे पाकिस्तान को बड़ा लंबा नुकसान हुआ है तो आई थिंक कि मार्केट उसको एडजस्ट कर रही है कर्व मार्केट क्यों बढ़ गई तो कुछ दिनों पहले हमको ये खबर आई थी कि कर्व मार्केट बढ़ने की कोई एक वजह यही थी कि पेशावर से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी विच मीनस कि अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी पार्टली दिस कुड भी कि जो हम डॉलर रुपए में कोयला ख़रीदते हैं उसकी वजह से शायद डिमांड आ गई हो या किसी वजह से अफगानिस्तान में डिमांड आ गई है अब उसका हमने कुछ सदपाप किया है मैंने जाहिर है कि वो काफी नहीं था आ, और किस तरह हमने मैंने डिफरेंट के सरबराहों से बात करी है कल भी करो मजीद लेकिन ठीक है उसका कुछ सदा कर रहे हैं लेकिन आब, जो आप मुस्कुराते हुए कह रहे हैं आपको उन इधारों को अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा ओपन मार्केट वैसे रेगुलेट नहीं होगी क्योंकि इस वक्त है प्रेशर है मार्केट में आज करेंसी शॉर्ट थी क्योंकि लोग सेल नहीं थे कर रहे ब्लैक में ब्लैक हो रही थी मार्केट की बजाय मैं आपको एक नदी में देखें ये टेम्प्रेरी चीजें होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ जिम्बाब्वे का सदर था ना रॉबर्ट मुगाबे, जितना वो अपनी इदारों को इस्तेमाल कर सकता होगा वो बंदों को उठवा सकता होगा मैं तो ऐसी चीजें नहीं कर सकता ना मैं एक मिसाल दे रहा हूँ लेकिन जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जिम्बाव्य में था तो उसकी करेंसी भी गिर जाती थी वो रोक नहीं सकता था वन डॉलर जो था वो मिलियन टाइम्स डिवेल्यूशन हो गई थी उसकी जिम्बाविन डॉलर की ठीक है जिम्बा शिलिंग की सॉरी डॉलर के सामने इसी तरह मतलब देखें इन दी एंड जो है ना ये सप्लाई डिमांड से होता है ये जोर जबरदस्ती से चीज़ें नहीं होती हैं हम सफ नहीं तो बीफ अप नहीं कर सकते डॉलर की तो आपको मैनेजमेंट की स्किल्स दिखानी पड़ेगी तो देखिए सर हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिमांड को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर रखा है पिछले महीने हमको जितने पैसे इंटर बैंक सिस्टम में आए थे उतने पैसे गए थे अभी तक अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस महीने भी हम बराबर बराबर चल रहे हैं बल्कि थोड़ा आगे चल रहे हैं आई गेट दिस डेली रिपोर्ट एवरी डे कि कितना पैसे आ रहे हैं कितने पैसे जा रहे हैं वी आर एक्चुअली डूइंग वेल ये इंटरबैंक का जो जो कर्ब का मसला है ये थोड़ा सा खुद भी सेटल हो जाएगा थोड़ी सी और चीज़ों से भी होगा मगर माई पॉइंट है इसके देखें अगर पाकिस्तान में 80 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट होगा जो पिछले साल हुआ है और उसके सामने 31 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा तो ये सब हरकतें होंगी फिर हम डिफ़ॉल्ट के नैश पे भी खड़े होंगे फिर हमको डिवेलुएशन भी करनी पड़ेगी फिर इधर इन्फ्लेशन भी आएगी आपको ये बूम बस की साइकिल से निकलना होगा और एक सही स्टेबल इकॉनमी की तरफ सर, एक्सपोर्ट तो आप पचास अरब डॉलर अभी नहीं कर सकते आपके पास सिर्फ एक विंडो है कि आप अपनी आई की एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें और मुझे कोई विंडो नज़र नहीं आती आपको इम्पोर्ट्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी बाकी आपके पास कोई अभी नहीं है क्या मे, करेंगे मैं मैं आपको ये कहता हूं कि आप किसी पिछले 20-25 साल 30 साल से किसी वज़ी ख़जाना ने इतनी नजर नहीं रखी होगी क्लोजली, जितनी मैंने इम्पोर्ट पे रखी हुई है और, और मतलब कोई अच्छी बात नहीं है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो या स्टेट बैंक के या कॉमर्स मिनिस्ट्री के या इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज़ के ब्यूरोट जो है वो डिसाइड करे कि किसकी एल सी खुले किसकी एल सी नहीं खुले लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मजबूरी है हमारे पास कमेटी बना दी है जो कमेटी देखती है कि क्या कर सकते हैं बहुत पेनफुल एडजस्टमेंट थी जो आपने की आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए मैं क्रेडिट से आपको डिनाई नहीं

अगर मेरे स्टेटमेंट से तो बहुत मतलब कम चीज़ें लेकिन देखिए मैं आपको सच बताऊं कि वजी अल पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है इसके लिए मुझे ये पता है कि मियाँ नवाज शरीफ भी बहुत परेशान है महंगाई की वजह से सीरियसली आई मीन देर बहुत वेरी कंसर्न आपको रुपया तो सेटल कहाँ होता नज़र आता है सर उनकी परेशानी से तो रुपया सेटल नहीं होगा ना इसके लिए आपको मैं सर मैं मेरी बात सुनू सर मैं 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 सीरियसली मैं इस पर कोई दावा नहीं कर सकता हूँ कि किधर सेटल होगा मुझे नहीं पता रुपया किधर सेटल होगा अब ये सप्लाई डिमांड के ऊपर होता है मैं ये समझ रहा हूँ सच्ची बात है कि मतलब यहाँ मतलब कोई मुझे कोई जवाज़ नजर नहीं आ रहा माँ सिवाय के मार्केट एडजस्ट कर रही है फ्लड के डैमेज को कि इधर तक रुपया अभी क्यों पहुँचा है आप मार्केट में इंटरविन करते हैं डॉलर उठाते हैं या बेचते हैं मार्केट में तीस जून के बाद आपने कितने यकम जुलाई से लेकर अब तक कितने डॉलर उठाए हैं और कितने बेचते मैं गुजारिश करता हूँ Uh, हमारा जो एक आई से ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट है और आपको पता है बड़ी अटोानी हो गई स्टेट बैंक की तो स्टेट बैंक का अपना होता है लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में कि एक ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट है जिसके तहत स्टेट बैंक इज़ नॉट सपोज़ टू डू इंटरवेंशन कुछ नुमेरिकल टारगेट्स होते हैं ठीक है मार्केट में स्टेट बैंक उस वक्त इंटर इंटरवीन इंटर, करता है जहाँ बहुत ज़्यादा डिस््रप्शन होता है अगर एक दिन में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो डिस्रप्शन हो जाएगा पाकिस्तान में जिसको कहते हैं बहुत छोटी थिन मार्केट है अगर एक दिन के अंदर मिसाल के तौर पर साढ़े छः सौ मिलिय डॉलर की ऑयल की पेमेंट आ गई तो उस दिन मार्केट उलट पुलट हो जाएगी क्योंकि हमको एवरेज पे लेस एवरेज पे लेस से कि सौ मिलियन डॉलर आ रहा होता है सवा सौ मिलिय डॉलर आ रहा होता है एक्सपोर्ट का सवा सौ मिलियन डॉलर रेमिटेंस का आ रहा होता है पच्चीस पचास मिलियन डॉलर कहीं और से आ रहे होते हैं पच्चीस पचास मिलियन एक्सपोर्टर्स ने फॉरवर्ड बेचा होता है एक मिसाल है आपको ठीक है तो वो उसके दिन मार्केट बड़ी डिस्टर्ब्ट हो जाती है तो उस दिन हो सकता है कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरवीन कर ले। लेकिन कोई कोई दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन 250 सौ मिलियन डॉलर स्टेट बैंक में एक्सपोर्ट के आ जाते हैं और 250 मिलियन डॉलर रेमिटेंस के आ जाते हैं वो दिन बड़ा अच्छा निकलता है तो उस दिन थोड़ा स्टेट बैंक जो है बाय भी कर लेता है तो ओवरऑल अभी आप बैलेंस पे हैं या बैलेंस बैलेंस चल रहे हैं ये जो दो मापी सर आप मेरी बात सुनें ना अगर आठ बिलियन डॉलर रह गए मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ठीक है आज स्टेट बैंक अगर बिलियन डॉलर खर्च करे तो शायद दस रुपये गिरा दे ठीक है लेकिन क्या ये इस वक्त इस किस्म की हरकत करनी चाहिए जब आपके पास आठ नौ बिलियन डॉलर रहेंगे चलो छोड़ दें आईएमएफ ने क्या किया आपको है? तो हर डॉलर सेव करना चाहिए वो तो अकल का तकाजा है लेकिन आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक और एडीबी से पैसा आना चाहिए था आप दो इंपॉर्टेंट विजिट्स पे आर्मी चीफ के भी विजिट्स कराए प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स कराए ना सऊदी अरब से न कतर से ना यू से हमें वो बाई कुछ कैश की तो वो नहीं आया सर अगर ये ये चीज़ें नहीं होती अगर ये सऊदी अरब यू और कतर ने हेल्प नहीं की होती तो आज आई एम एफ़ का प्रोग्राम पास नहीं होता है जस्ट से कि चार ममालिक ने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है सच्ची बात है और वो उसमें चीन है जिसने अपना ढाई बिलियन का पहले लोन दिया और तमाम इसने कहा कि हम अपने लोन जो है री रोल करेंगे कतर ने तीन बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है जिसके अंदर इसने कहा है कि हम काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तानी एसेट्स में करेंगे जिससे पाकिस्तानी रिजर्व बढ़ेगा प्रॉमिस किया है कि यू ए ने कहा है कि हम एक बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में कम से कम स्टॉक के अंदर कल भी गुजशत कल भी यू का एक लंबा डॉल एक बड़ा डेलीगेशन आया था जिससे मेरी मुलाकात हुई है दीगर लोगों की मुलाकात हुई और वो बड़ा सीरियसली इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए और इसके अलावा सऊदी अरब ने एक बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की भी बात की है और एक बिलियन डॉलर्स की सऊदी अरब ने डायरेक्टली बात नहीं करी लेकिन बहुत सारी खबरें आई हैं जो सऊदी अरब से ब्लूमबर्ग में आई हैं एफ़ में आई जो सऊदी अरब से औरजिनेट हुई हैं कि जिसके तहत सऊदी अरब जो है वो एक बिलियन डॉलर्स का मज़ीद हमको तेल का डिफॉल्ट पेमेंट पर पे तेल देगा सर ये आठ हफ्तों से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि ये फॉर्मली हो जाए ये क्यों नहीं हुआ अभी ये फॉर्मली अभी तक नहीं हुआ है ये मेरी बात हुई थी कोई, कोई कोई वो कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो हो, हो जाएगा फॉर्मली लेकिन सऊदी अरब ने ये बात की और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना सिर्फ हमसे कही हुई है लेकिन ये इन्होंने आई एम आई एम एफ़ के पेपर्स से में भी, भी उनको एश्योर कराया हुआ कि हम ये करेंगे सो सो ये चार ममालिक हैं वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए थे अब जहाँ पे कतर की ताल्लुक है कल सुबह सच्ची बात है कि मेरी कतर इन्वेस्टमेंट के हेड से बात हो रही है जूम पर मीटिंग हो रही है गुजत कल इनकी शायद अब्बासी साहब और हाचीमा साहब और बिलाल के साहब से बात हुई है आ, तो कतर को एक तो आप आर एल एन जी वाले प्लांट वगैरह दे सकते हैं वो आपके लिए आसान काम है हम कैश कैशपोर्ट तो को रख रहे थे वो बिलियन डॉलर की कतर से आएगी वो अच्छी बात कर रहे थे आप जी आज ड्रादर मैं सच्ची बात मैं आपको बताऊँ ठीक है वो अब हम उधार लेते रहते हैं सबसे और आदत भी हो गई हमारी लेकिन इससे अच्छा है कि वो चीज़ें ख़रीद लें हमसे वो अच्छा वो चला भी अच्छी लगेगी अब हमको कुछ कमाएंगे तो कुछ टैक्स भी दे देंगे हमारी भी एक वो तो एंड दिसंबर तक डील होगी उससे पहले तो नहीं हो सकती थी सर तो इसी मतलब अब इसी फिस के हो जाएगा मतलब कोई वैसा मसला नहीं है देखें यू के जो यू जो शेयर वगैरह खरीद रहा है शायद उससे पहले खरीद ले यू वाला उससे पहले हो सकता है मेरा ख्याल तो यू के साथ हम क्या करेंगे उसको ये गैस कंपनी वगैरह से शेयर देंगे या कुछ और करेंगे सर ये उनकी मर्ज़ी है उन्होंने कल जो तशरीफ लाए थे वो मेरे पास तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम ही बना के भेज दो हमको पोर्टफोलियो कि तुम क्या करना चाहते हो तो मैंने अच्छा कहा मैंने कहा ठीक है तो मैंने प्राइवेटाइजेशन वालों को कह दिया कि मुझे आप वो एक एक बना के देंगे खाका मैं उनको भेज दूँगा एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट स्टेक्स या वो वो है? वो आई से बात नहीं हो रही वो कतर से बात वो कतर से बात हो रही तो ये बिग डील्स हैं बिग टिकट आइटम्स हैं लेकिन इस ये विल टेक टाइम टू मेटेरियलाइज सर इसके अलावा देखें अब आपको ऐसे ही में बताऊँ कि जैसे कोयले का प्लांट है अब उसको चलाने का शायद कॉस्ट चार रुपये पर किलोवाट है जो कैपेसिटी कॉस्ट है लेकिन अब पहले तीन चार रुपए किलोवाट होती थी फ्यूल कॉस्ट अब वो कोयले की कॉस्ट हो गई आठ रुपये जो एल के प्लांट है उसको चलाने की कॉस्ट शायद तीन रुपए या चार रुपये पर किलोवाट आवर लेकिन जो फ्यूल की कॉस्ट है वो आठ दस रुपये हो गई है बारह रुपये हो गई है तो अब अब हमने ये वजीराजम साहब ने ये प्लान किया है कि हम ये क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा हो गया दुनिया में तो हम इसको और सोलर बहुत सस्ता हो गया है पिछले चंद सालों में कि हम इसको सोलर से रिप्लेस करते हैं तो इन शाला दस हज़ार मेगावाट का एक वजीम साहब का सोलर का प्लांट है और सऊदी अरेबिया यू ए और कव, कतर तीनों बड़े इंटरेस्टेड हैं कि इसके अंदर इन्वेस्ट करें और चीन भी इंटरेस्टेड है चीनी कंपनियां भी इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने का तो ये इन शाह इधर भी एक बेहतरी होगी सर जो आपने सैलाब का कुछ तखमी दिया था कि कुछ दस अरब डॉलर के करीब है हमारे नुकसान का कुछ आपने अपडेट किया है इन फिगर्स को कितना हमारा नुकसान का तखमीन क्या है देखिए नदीम भाई दो तीन तरीक़े से नुकसान का तखमीन लगाया जाएगा एक तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारी तीन फ़ीसद जी की ग्रोथ कम हो जाती है पाँच फीसद की जगह दो होती है या पाँच की जगह तीन होती है प्लस से तीन तो मुश्किल हो जाएगी सर कर ली तो बड़ी बात अगर पांच, तो सारी निकल गई अगर पाँच की जगह दो हो गई तो नौ बिलियन डॉलर्स तो मेरी इनकम से ही निकल गया ना अगले साल ठीक है तो नौ बिलियन तो ये तो विदाउट काउंटिंग एनी वेल्थ लॉस्ट एनी एसेट लॉस नौ बिलियन तो मेरी इनकम से निकल गया अब अगर पूरे मेरे सिंध का जो है वो कॉटन का क्रॉप खत्म हो गया हाफ मेरा अनियन का क्रॉप खत्म हो गया शायद मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा हो गया चिलीज का क्रॉप खत्म हो गया ट्वेंटी परसेंट शुगर केन का क्रॉक खत्म हो गया ठीक है राइस के उनका इफेक्ट आया है फैसला के पी में भी आया है पंजाब में थोड़ा सा आया है लेकिन बहुत कम है अच्छा लाइफ स्टॉक टेन वन मिलियन हेड्स ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब कैटल और लैम एंड शीप एंड गोट्स वगैरह ठीक है उसके बाद कहते हैं कि तीस लाख कच्चे मकान टूट गए कोई कहता है दस लाख मकान टूट गए अब अगर दस लाख मकान टूट गए सर पाँच लाख रुपए का एक मकान हो तो वो पाँच सौ अरब रुपए हैं मतलब तीनों सौ सो आई मीन उसके बाद तीन हज़ार से पाँच हज़ार मेटल किलोमीटर लंबे मेटल रोड डैमेज हुए हैं एक सौ डेढ़ सौ से ज़्यादा ब्रिजेज आपके तबाह हो गए हैं रेलवे लाइन कराची से सिंध सखर तक तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गई सिंध के अंदर बहुत जगहों पर रेलवे लाइन यूँ खड़ी है नीचे से बंद निकल गया है वो लटक रही है उस पर कितना खर्चा आएगा मतलब यू नो सो आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दिस जब पानी सिंध से रिसीड होगा ना तब हमको पता चलेगा एक्जैक्टली exactly, कि क्या खर्चा आया है क्या नुकसान हुआ है कितनी बिल्डिंग है जो स्कूल हैं पक्की इमारतें हैं जो गांव घोट के अंदर वो कितनी टूटी हैं तो ये तखमीना लगाने में कम अज़ कम दो तीन महीने और दो तीन हफ्ते और लगेंगे शायद ज़्यादा लग जाए लेकिन इमीजिएट रिलीफ जो खर्चा हो रहा है लेकिन साढ़े तीन सौ मिलियन डॉलर या सत्तर अरब रुपया तो हमने अब आज वजी अजम साहब ने अनाउंस किया है जो जो सिर्फ़ हम पच्चीस पच्चीस हज़ार रुपये फैमिली को दे रहे हैं लाखों करोड़ों अरबों रुपये सॉरी फूड राशन दिए गए कम अज कम दस अरब रुपए के तो सिर्फ तंबू व, टेंट्स जो है वो वफाकी हुकूमत खरीद रही है सूबे की हकूमत अलग खरीद रही है तो मतलब इसका मतलब सीरियसली मैं समझता हूँ 400 अरब रुपया तो कम से कम जो है वो रिलीफ में खर्च हो जाएगा सूबों का और वफाक का मिलाकर और अभी तक आपको बाहर से कितनी कोई डोनर्स रिलीफ वगैरह कितना मिला सर जो टोटल असिस्टेंस आई है वो अब तक मेरे ख्याल से पाँच छः सौ मिलियन का कमिटमेंट हो गया है पाँच छः सौ मिलियन डॉलर का जी डी उसमें से साढ़े तीन सौ मिलियन तीन सौ सत्तर तो वर्ल्ड बैंक के हैं लेकिन ये रीपर्पज हुए हैं कुछ पैसे जो थे वो क्लाइमेट चेंज वजारत को देने लगे थे वो कहा क्लाइमेट चेंज को हम बाद में देख लेंगे लेकिन पहले हमने ये बेस्ट की तरफ दे दिए तो वो कुछ तो हमको इमीजिएटली रीपर्पज कर दिए हैं यू की फ्लैश अपील है एक मिलियन डॉर्स की लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से वो फोर्टी ही पूरी हुई है इसके अलावा यू एस एड ने इकतीस मिलियन डॉलर्स का साढ़े इकतीस मिलियन डॉलर्स का कहाट्स वेरी जनरस चीन ने 400 मिलियन आर एम बी की सामान अभी तक भेजने का कह दिया 100 मिलियन का भेज दिया 60 मिलियन डॉलर्स दैट्स स्पेशली जनरस उसके अलावा अब मैं यू uh, ए ने कुछ जहाज़ भेजे हैं कुछ कंटेनर्स बड़े भेज रहे हैं काफ़ी जनरसि जनरसिटी के साथ भेज रहे हैं सऊदी अरब और कतर भी कर रहे हैं uh, उजबैकस्तान ने भी कुछ पैसे दिए जापान ने भी कुछ दिया ऑस्ट्रेलिया ने भी सर, कुछ दिया यूके आ... ने पंद्रह बिलियन मिलियन पाउंड दिए और और मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि आ खान फाउंडेशन ने दस मिलियन डॉलर दिए सर जब आप एस्टिमेट करते हैं कि आपके नौ बिलियन डॉलर के करीब तो या दस अरब डॉलर सिर्फ जी के लॉसेज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के आपको अभी एस्टिमेट करना है पाँच सात अरब डॉलर का वो भी, अगर भी मिला है। लें इससे ज्यादा कर लें बीस अरब डॉलर अगर आपको चाहिए हो तो आपको तो फ़ौरी तौर पर कोई रिकन्स्ट्रक्शन के लिए कमिटमेंट्स प्लेजिंग लेनी चाहिए जैसे अर्थक् के बाद हमने एक प्रोग्राम दिया था आपको पूरी डोनर्स कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए लैंडर जो पाकिस्तान के मल्टी लेटरल एजेंसीज के साथ मशावरत के साथ यहाँ हैं इस्लाबाद में एक मीटिंग करें उनके सामने 20-25 अरब डॉलर का प्लान रखें क्लाइमेट चेंज है हम साल बाद फिर सामना होगा क्या करें सर गुजारिश ये है कि इतना अभी तक तो ये ज़बानी जमा खर्च हो रहा है इसका एक तरीक़ा एक तरीक़ा होता है डी एन को कहते हैं डैमेज असमेंट वगैरह जो होता है ठीक है अब इसके लिए जो है वो ई ए डी की जो वजारत है वो उसने ऑलरेडी हमने मीटिंगें कर ली हैं कॉन्फ्रेंस बुला ली हैं कुछ वर्ल्ड बैंक के यू एन के शायद कुछ एक्सपर्ट्स आ भी चुके हैं अच्छा ये जो है ना अगर मैं मिफ्ता इस्माइल या पाकिस्तानी हुकूमत डैमेज असेसमेंट कर दे या सिंध हुकूमत डैमेज असेसमेंट कर दे तो वो उसको इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है मां सिवा इसके वर्ल्ड बैंक और यूएन के लोग भी शामिल हों पिछली मरतबा भी यूएन और वर्ल्ड बैंक के लोग शामिल थे तो उनको भी हम शामिल हुए हैं वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक उनके एक्सपर्ट्स की टीम आके ये असेस करेगी हमारे साथ कि ये हमारा डैमेज हुआ है इंशाल्लाह अगले कुछ चंद हफ्तों में दो चार हफ्तों के अंदर हम ये डैमेज असेसमेंट नीड लेकर आ जाएंगे दुनिया के सामने और उसके बाद जो है हम डोनर से इंगेज कर सकते हैं कि देखो ये हमारा डैमेज हुआ है इस वक्त तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारी क्रॉप ख़त्म हुई है कॉटन की ठीक है चौदह सौ एकड़ पे चौदह एक चौदह चौदह लाख एकड़ पे थी लेकिन थोड़ा सा इसको जो है ना थोड़ा पानी रिसीड होगा तो इसको ऊपर कंक्रीट करना पड़ेगा कि एक्चुअली कितने एकड़ पे थी कितनी क्रॉप ख़राब हुई है उसकी क्या मार्केट वैल्यू है क्या नुकसान हुआ है और फिर वो यू का अगर इम्प्राम्टर होगा उसकी सर्टिफाई होगी कि हाँ ये बात सही है तो उसके बाद उसका वजन होगा तो इनशाला फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे मैं ब्रेक ले लूँ लेकिन इसके ऊपर एक्जैक्टली आपको क्या रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर जब ब्रेक से बाद मजीद आपसे बात करते हैं ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं सर जो इकानमी की मौजूदा सूरत हाल है जिसमें आपने एडजस्टमेंट करके आई एम एफ को तो बहाल कर लिया आपने कहा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से भी बचा लिया लेकिन लोगों को ज़िंदा रहने के लिए भी कुछ करना है उनको मरने से भी बचाना है उसके लिए क्या करें महंगाई को ब्रेक कैसे लगेगी क्योंकि अभी जितने हमने इकदाम किए हैं सारे इन्फ्लेशनरी हैं देखिए ये जो हम मिसाल के तौर पर सत्तर मिलियन सत्तर बिलियन रुपया सत्तर अरब रुपया जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया देने का अब इस पर भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ ऐसे पैसे लोगों को दे रहे हैं तो वी नो उससे इन्फ्लेशन बढ़ बढ़ है लेकिन मतलब चॉइस क्या तो है है तो लाइफ सेविंग उनके जो, लिए जो जो उधर भूखे लोग बैठे हैं बे और मददगार खुले आसमान के तले क्या उनको पैसे नहीं दें मतलब वट इज़ द चॉइस ठीक है सो कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी मतलब कहें ये फ्लड से मुश्किल तो आई है अगर फ्लड से प्यास खत्म हो गई पाकिस्तान भर में आधी प्यास चलेगी तो प्यास तो महंगी हो जाएगी टमाटर महंगा हो जाएगा लेकिन फिर सस्ता हो गया अफगानिस्तान से आ गया हमने दिगर जगहों से ड्यूटी ख़त्म कर दी आपको ये मैं खुशाइंद बात बताऊँ कि चीन हमारा इतना अच्छा दोस्त है कि वो गिलगित बल्तिस्तान और काशगर के रास्ते से वो टमाटर और प्याज भेज रहा है तो इन शाह हम चीज़ें उसको कंट्रोल में लेकर आएंगे और महंगाई को कंट्रोल करना हमारा इस वक्त बहुत बड़ा टारगेट है और अगर फ्लड्स के अलावा अगर हम कोई और चीज़ कर रहे हैं तो सचमुच इन्फ्लेशन के बारे में मीटिंग्स कर रहे हैं देखते साहब

घर भेज या चाहे तो घर भेज दें लेकिन इज़ इट डिसाइडेड कि आपको रहना है या इस हकदार ने आना है हमने आपके हक में भी आपके ख़िलाफ़ में भी काफ़ी बातें पढ़ी भी, 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 भी देखी भी सुनी भी लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि नौ अक्टूबर के बाद मफ्ता इस्माइल खजाने की चाबी संभालेंगे मफ्ता वैसे भी चाबी है <laughs> <laughs> तो वो खजाने की चाबी मफ्ता के पास ही रहेगी या वो इस हकदार के पास होगी मुझे सचमुच पार्टी ने अगर कोई फैसला किया तो मुझे इस बारे में इतला नहीं दी गई है और मैं पूछता भी नहीं हूँ जब वक्त आएगा तो पार्टी बता देगी लेकिन ये बड़ा ट्रिकी टाइम है ये एक तरफ तो आपको प्लेजिंग लेनी है फ्लड के लिए पैसे भी लेने हैं लेकिन आपका अपना टेन्योर गारंटीड नहीं है चार हफ्ते की दूरी पे आप तो क्लैरिटी नहीं है मैं इस पे पर हरा इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क तो पड़ता नहीं नहीं कोई फर्क पड़ता ड्राइविंग सीट इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस अगर खजाना आपके पास है या डार के पास है दो मुख्त स्ट्रैटेजीज होंगी वो और तरीके से मैनेज करेंगे आप और तरीके से डिफरेंट होती हैं लेकिन देखिए ना पाकिस्तान के अंदर आ, जब मैं छोटा था मिसाल के तौर पर तो मैं तो अयूब खान सदर होते थे ठीक है तो अयूब खान के अलावा कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन अयूब खान चला गया याया खान आ गया ठीक है याया खान चला गया भुटो आ गया मतलब लोग आते हैं लोग जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर्स तो हज़ार आते हैं चले जाते हैं इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि मैं चला जाऊँगा और कोई और आ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क़ पड़ेगा पाकिस्तान को मैं जब तक रहूँगा जब तक इन शाला अपनी पूरी मेहनत से काम करूँगा और जब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे और मुझे रखना तो आई एम हैप्पी टू स्टे इफ़ यू डिसाइड्स के आई विल गो आई एम हैप्पी टू गो आपकी इंटरनल जो राइवलरी थी पार्टी के अंदर डार साहब की और आपकी वो चल रही है अभी भी, भी या उसमें कमी आई राइवलरी नहीं थी आई थिंक तो मतलब राइवलरी तो मेरा थोड़ा तो था लेकिन ऑब्वियसली डार साहब का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारी आरा एक दूसरे की अपनी अपनी है वो हमेशा से थी मेरा एक मतलब लेकिन ये नहीं है आ, कि ऐसा इकबाल और मैं मिसाल के तौर पर हर चीज़ एक एक तरीके से सोचते हैं या सादिक और मैं हर हर चीज़ एक तरीके से सोचते हैं सब आपकी अपनी राय

एंड बट देखिए नवाज शरीफ जो है वो पूरी पार्टी के लीडर हैं ठीक है वो शहबाज शरीफ के भी लीडर हैं वो मेरे भी लीडर हैं शायद हैं शाह अब्बासी के भी लीडर हैं और डार साहब के भी लीडर हैं सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग वो कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है नवाज शरीफ की फिलासफ़ी अगर हमको समझ में नहीं होती तो हम ये पार्टियाँ ज्वाइन नहीं करते मैंने तो ये पार्टी पियाँ साहब की फ़िलासफी की वजह से ज्वाइन करी है uh, लेकिन मैं ये सचमुच ये समझता हूँ कि जो भी वज़र अजम है वेदर इट्स नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो भी हो उसका ये स्वाब दे दे और खास तौर पर कि फाइनेंस मिनिस्टर उसका कौन होना चाहिए इस टू तो बी वेरी कम्फर्बल विद हम अगर शहबाज शरीफ साहब मिस से कम्फर्टेबल हैं तो ई शुड कीप मी एंड ही विल कीप मी इफ़ यू थिंग्स के नॉट पॉसिबल फॉर वट एवर रीजन को ऑलिशन वजह या जो भी वजह से इफ़ यू डिसाइड के यार मिफ्ता यू शुड भी देर समुड भी देर सो दैट्स ओके टू आपने अपना काम किया है आपका पहले जो टारगेट था वो आई बोर्ड लाना था यू डिड दैट बहुत उसमें मुश्किल इकदाम थे मुझे सरताज अजीज़ साहब का एक जुमला वो किसी पुराने फाइनेंस मिनिस्टर शुैब साहब को कोर्ट किया करते थे कि वो कहते थे कि पॉपुलर मयर लेना और एक पाकिस्तान के हक में इकदाम करना ये दो मुख्तफ़ चीज़ें हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान के हक़ में बात करनी है चाहे वो जितनी मर्जी पेनफुल हो तो आपने वो काम किए हैं मैं उसको डिसक्रेडिट नहीं करता लेकिन अभी आप एक ऐसे फ़ेज़ के ऊपर हैं कि मुझे लगता है कि आपकी अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं है मैं ये मैं सॉरी मैं फिर से इस तरह मैं कहता हूँ देखिए मेरी अपनी पोजीशन तो बहुत सिक्योर है आई एम वेरी सिक्योर इन माई सेल्फ एंड आई एम वेरी सिक्योर इन माई ओन पोजिशन ठीक है आई मे और मे नॉट रिमेन द फाइनेंस मिनिस्टर और एडवाइजर दैट्स पार्टीज डिसीजन लेकिन यू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि कल मियाँ मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि, कि किसी और वजीर को भी घर भेज है जरूरी नहीं कि मुझे ही घर भेज दे मिसाल है ठीक है सो so किसी की भी पोजिशन वो नहीं होती है आ, ये एक है कि छः महीने जो है वो मेरे अक्टूबर में खत्म हो जाएंगे कभी लेकिन प्राइम मिनिस्टर का स्वाब दी आई एम परफेक्टली ओके विद इधर वॉट एवर ही डिसाइड्स बज लोगों का ख्याल है मैं कि... सच में मैं सच आपको बता रहा हूँ कि एक्सेप्ट जब लोग मुझसे कुछ पूछते हैं मीडिया के लोग I really don't think about this. I don't, you know, stay up at night thinking about this. Oh my God, Mia Sabh nikal denge to kya Mia Sabh rakhenge to kya hoga? I'm, I, you know, I think I've done a good job. I've done. Yeah, let me put it this way. I have done the best I can. If. आ, पार्टी ये समझती है कि मफ्ता ने अच्छा काम किया तो पार्टी रख लेगी नहीं समझेगी तो हटा देगी सर अगला दो तीन महीने सियासी से भी में हाँ नए आर्मी चीफ की नॉमिनेशन आई थिंक एंड ऑफ सीरियसली फाइनेंस मिनिस्टर की नॉमिनेशन और आर्मी चीफ की नॉमिनेशन को नहीं मिलाना चाहिए सर वो तो चाहे <laughs> तो आप सबकी छुट्टी करवा सकते हैं लेकिन बहरहाल उनकी नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर का एक कहता है प्राइम मिनिस्टर ही करता है आर्मी चीफ जितना भी तगड़ा हो उसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ही करता है तो एंड ऑफ सितंबर और मे बी अर्ली नेक्स्ट मंथ उनकी नॉमिनेशन हो जाएगी मोस्ट पॉपर्ली हाँ, हाँ. फिर आपके टेकर्स में जाएंगे और उसी अरसे में किसी वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकते हैं तो ये एक ट्रांजिटरी फेज़ है जिसके अंदर बहुत सारी सियासी तब्दीलियाँ में आनी है आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड क्या बनेगा सर मुझे अपना नहीं पता क्या क्या बनेगा, <laughs> <laughs> <क्या> बनेगा? <laughs> पहले <पहना laughs> अपना नहीं पता बाकी <laughs> सर, क्या पता आर्मी चीफ का क्या बनेगा सीरियसली मैं आपको एक बात हूँ आई नो के द आर्मी चीफ इज़ इज़ अ वेरी क्रूशल पोजिशन एंड आई नो के पाकिस्तान के पाकिस्तान में सियासत जो है वो बहुत डिस स्टैंड स्टेल पर हो जाती है बिकॉज ऑफ द आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट ठीक है लेकिन इस वक्त मैं आपको सच बताऊँ इस वक्त पाकिस्तान में एंड आई कसम से मैं आपको बता रहा हूँ आई नो शबाज शरीफ कि इस वक्त सुबह शाम शबाज शरीफ के जहन में एक ही सोच है वो है ये फ्लड्स हैं ठीक है एवरी डे ही गोस सिंध में चले जाते हैं कभी इधर पंजाब में चले जाते हैं कभी के पी कभी बलूचिस्तान सुबह से शाम तक इसमें लगे होते हैं कल सुबह उन्होंने छः बजे मुझे मैसेज किया मैं तो जाहिर खोया हुआ था कि उठ करो उस वक्त कोई फ्लड की बात इनके कोई जहन में कोई बात आ गई कि यार इसका क्या करना है उसका क्या करना है राइट नाउ इन इन वी शुड रियली भी थिंकिंग अबाउट फ्ल्ड आई शुड नॉट भी थिंकिंग के मैं जो रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो कैर रेली मतलब इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स मैं सच ही आपको ना वो कहते ना हैप्पीनेस इज़ अ हाउ इट्स नॉट अ वॉट आई वॉज हैप्पी यू नो आई एम हैप्पी विद वट आई एम Uh, मैं वजीर ख़जाना बन जाऊँ या ना बनूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सो uh, so, इस वक्त शहबाज शरीफ का जो ओनली कॉन्सेप्ट है ना वक्त आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन या आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट नहीं सोच रहा है वो इस वक्त जो है ना वही सोच रहा है कि यार टेंट्स कितने मिल रहे हैं ठीक है इफ़ यू आस्कट ना वट्स दॉप ऑफ़ योर माइंड तो ई विल यू कि टेंट्स फॉर फ्लड विक्टम्स सर सताईस मार्च के पहले जब आप नो कॉन्फिडेंस के लिए तैयारी पकड़ रहे थे उस वक्त इमरान बिल्कुल नीचे था पॉपुलरिटी के अतबार से उसकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर सीरियस क्वेश्चन मार्क थे सताईस को उन्होंने वैर मुल्क की साजिश वाला बयानिया दिया और वो बिका उनका इस वक्त वो ऊपर है आप लोग जो है वो मुश्किल में है और फिर ऊपर से फ्लड ने रही से कसर निकाल दी तो डू थिंक इट वॉज अ गुड अप्रोच कि उस मौके के ऊपर नो कॉन्फिडेंस किया जाता है या उसको दो महीने उसको और दे देते ये कीमतें टीं, तेल की खुद ही बढ़ानी पड़ जाती तुम ये साफ है नहीं देखें ना इमरान खान का आई यू नेवर नो क्योंकि वो एकदम वो विमजिकल आदमी है हो सकता है पाकिस्तान को बैंकप्ट कर देता हो सकता है पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर देता ना था प्राइस में तो अब सीरियसली मैं आपको ख्याल बताऊँ एक आदमी जो कि इतना सेल्फ अपसेस्ड है जितना इमरान खान है आज इमरान खान बात कर रहा है कि आर्मी के चंदर मेरिट होना चाहिए वो आदमी जिसने उस्मान बुजदार इस मुल्क को दिया हो जो 11, 12 करोड़ लोगों का सूबा है इफ़ पंजाब व कंट्री इट वुड बी लाइक द टॉप वन ऑफ द टेन और ट्वेल्व लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड उसके अंदर इसने उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया के पी में उसने महमूद खान को चीफ मिनिस्टर बनाया यहाँ इसने मुराद सईद को यहाँ पर इसने अमीन गंडापुर को यहाँ पर इसने वो आफरीदी शरियार आफरीदी कोली जैदी को ऐसे तो वजरा ला के फैसल वाडा ऐसे वज़रा ला के दिए हैं और फिर अब जो मेरिट की बात करता है तो अल्लाह खैर कर मतलब क्या बोल सकते हैं आपने देखा ये पेट्रेटिज़म की बात करता है आपने टेप सुन ली है शौकत अरीन साहब की तैमूर जगड़ा की मतलब ये इसके बाद फिर क्या चीज़ रह गई है मतलब आपने आपने क्या मतलब क्या रह गया है आप मतलब आपने ये सुन लिया है कि मतलब अलाइनमेंट चेंज क्यों कि नमल यूनिवर्सिटी में किसी ने पैसे दिए 16 सीमेंट के लाइसेंसेस बुजदार साहब ने बेचे हैं बेचे हैं पंजाब के अंदर बेचे हैं जी बेचे हैं पूछ लीजिए मैं आपको बताऊं कभी हो ही नहीं सकता कि 16 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ सीमेंट की लाइमस्टोन स्टॉन कॉरिंग कैरिंग कॉरिंग हो सके पंजाब में आपने बेच दी क्या इमरान खान को नहीं पता रहा था, था लोगों ने कि एजेंसीज ने नहीं पता था कि बुजदार करप्ट है क्या इमरान खान को नहीं पता था कि फरा गोगी साहबा करप्ट है और वो पैसे ले के पैसे ले के देती हैं क्या वो इनका फ्रंट वूमेन नहीं थी मतलब ये मतलब न एक आदमी ना ने फरा गोगी के ऊपर लगाया निकाला क्या है उसमें से मैं तो ये देखूंगा ना कि जमीन के ऊपर आपने क्या चीज़ निकाली फरा गोगी की इतनी कहानियाँ टी वी के ऊपर आई है ना? अभी तक कौन सा केस है जिसके ऊपर देखिए मेरी बात बासूम सर देंगे अभी शहजाज अकबर साहब भी भाग गया पाकिस्तान से उनका एक वकील और भी था जिया बैरिस्टर जिया पता नहीं वो भी भाग गया आ, और उसके बाद फराक गोगी साहबा भी तशरीफ़ ले जा चुकी हैं पाकिस्तान से यू नो जो आ, तो अब ये नहीं आएंगे कोई भी देखें और मैं आपको बताऊं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ना देखें मुझे ये पता है मैं आपको सच किस्सा बनाऊं ये शहबाज शरीफ साहब बता रहे थे कि एक दिन इमरान खान साहब टहल रहे थे ऑफिस के आगे बाहर तो वो लोगों ने पूछा कि क्या परेशानी है तो बोला यार शबाज़ शरीफ कब अरेस्ट होगा मकाजिन तो शबाज शरीफ सीरियसली रेस्ट ऑफ द पार्टी वी डोंट रियली वरी अबाउट के इमरान खान कब अरेस्ट होगा या कब नहीं होगा या कोई कब करप्शन का केस होगा हमारा मकसद जो है वो किसी के ऊपर करप्शन का केस नहीं हमारा मकसद इस मुल्क को आगे बढ़ाना है डिफॉल्ट से बचाना था अब महंगाई से बचाना है फ्लड के विक्टम्स को हेल्प करना है एक एजेंसीज़ होती हैं नैब है एफ आई इनका काम है वो पकड़ लेंगे लेकिन अगर अगर आप बयान कर रहे हैं इमरान खान के कि बयानियाँ ऊपर जा रहा है तो ये बात करना ज़रूरी है पाकिस्तानियों को सामने ये बात रखना ज़रूरी है कि ये जो आदमी मेरिट की बात करता है वो आदमी उस्मान बुजदार आपके पास लेकर आया है ये जो आदमी आपको पेट्रेज़म की बात करता है उसने उसकी टेप आपने सुन ली है ये जो आदमी सर आपने किया है, है। शौकत तरीन की और झगड़ा के टेप हाँ, की। हाँ. क्या इसने आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर असरअाज़ हुए ये क्या बोर्ड मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस हुई कि ये टेप आ गई है इन्होंने तो ख़त लिख दिया आपको कहीं जिक्र किया नहीं मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी होगा नहीं जिक्र हो बोर्ड मीटिंग में बिल्कुल इट हैड नो इंपैक्ट देखें इ, 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 वो तो, जो शौकत तरीन साहब जो करना चाह रहे थे वो उस पर तो नाकाम रहे ये लोग ना कि मतलब ये जो अगर ये प्रोग्राम को इंस्टॉल करवाना चाह रहे थे जो ये, जो इन्होंने कहा है टेलीफोन के अंदर और हम आईएमएफ के नंबर दो को मैं जानता हूँ जगड़ा साहब ने कहा और भेज दिया जो कुछ भी करा ये जो आई एम एफ तक ये बात पहुंच गई बिल्कुल पहुंच गई हमने भी अनऑफिशियली मालूम करा लिया कि वो बात पहुंच गई हमने जो भी हमने करना था वो कर लिया पीछे से लेकिन बोर्ड पे वो बात नहीं आई है ये, मेरा नहीं ख्याल है कि बोर्ड पे वो डिस्कशन है क्या बोर्ड के मंबरान को ये बात भी पता थी प्रॉब्लम नहीं पता होगी लेकिन क्यों ऐसा उन्होंने करना पड़ा आपके ख्याल में ये बात तो लगता ही है कि हमारी सियासत इतनी गंदी हो जाती है कि हम कुछ भी कर गुजरते हैं बिल्कुल गंदी है इसमें क्या डाउट है मतलब मतलब बिल्कुल इसके बाद और क्या चीज़ हो सकती है मतलब सीरियसली और मतलब क्या है मतलब वट एल्स इज लेफ्ट मतलब अब तो आप मतलब जाके एयरपोर्ट पर जाके बंदूकें चलाना शुरू कर दें मतलब मतलब और क्या चीज रह गई है कि आप देख रहे हैं कि आ, मतलब ये कि मतलब अगर आज आज फ्लड के विक्टम्स के लिए आई एम वर्ल्ड बैंक हमको पैसे दे रहा है मिसाल के तौर पे साढ़े तीन सौ मिलियन डॉलर दिया अब कोई जाके खत लिखे कि ना दो पैसे फिर मतलब ये मतलब ये कैसी बातें हैं मतलब आईएमएफ के अंदर हम डील कर रहे हैं ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा अगर आईएमएफ से बात नहीं करेंगे सबका मुल्क है ना अगर मैं वजीर हूँ तो भी मेरा मुल्क है लेकिन जब मैं वजीर नहीं होता हूँ मैं वजीर तो सिर्फ छः महीने बारह महीने रहा हूँ ना फाइनेंस मिनिस्टर का दो चार साल इन्वेस्टमेंट का वजीर रहा हूँ लेकिन बाकी मैं जिंदगी तो अपनी वजीर नहीं रहा हूँ लेकिन पाकिस्तानी तो हमेशा से था ना ये क्या भूल जाते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी हैं सर ये जो अभी कल वाला बयान था उसके ऊपर भी आई था कि कैबिनेट उसके ऊपर कुछ और करेगी क्या करना है कबिनेट ने उसके ऊपर कोई डिस्कस किया है कि क्यों बयान दिया है वो फौज वाला देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था कैबिनेट ने ये डिस्कशन तो बिल्कुल नहीं करी कि किसी ने क्यों बयान दिया है और ना कैबिनेट का ये काम है कि किसी के बयान के ऊपर डिस्कशन करे आ, लेकिन ये लमाय फ़िक्रिया उस पाकिस्तानी के लिए भी है आ, जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है बहुत पाकिस्तानी मेरे भाई बहन हैं जो कि सपोर्ट करते हैं आ, कि उनको ये कहना चाहिए कि खान साहब हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे लेकिन कुछ लाइनें होती हैं जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए ठीक है आ, किसी यू नो इस तरह पाकिस्तान के जो एक रेड लाइन तो ये थी आई एम एफ का फ़ोन कॉल वो टेप जो सामने आई है वो बिल्कुल रेड लाइन थी मेरे ख्याल से उससे बड़ी रेड लाइन नहीं हो सकती नहीं हो सकती ये कहना कि कोई ये फ़लाँ लोग जो हैं वो गद्दार हैं फ़लाँ लोग पेट्रियट हैं फ़लाँ लोग मेरिट हैं देखिए मैं आपको बताऊं आई हेट द गॉड यू नो ये गद्दारी या पेट्रेट तो मैं किसी से नहीं चाहता हूं कि मुझे कोई बोले कि भाई तू मोहबे वतन है कि नहीं है मैं ना किसी से सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ लेकिन एट द सेम टाइम मैं किसी को सर्टिफिकेट देना भी नहीं चाहता हूँ ठीक है वो सबको अपना अपना अल्लाह ताली का सब ऐसी कर... जमातें अपने बयानिए के ऊपर खेलती हैं आपको लगता नहीं है कि इस वक्त इमरान खान का तो बयानिया हावी है वो आप उसको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं लेकिन आपकी जमात से कोई काउंटर उसकी जो नैरेटिव है वो है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है आपने उसको कम्पीट कैसे करना सर मुस्लिम लीग हमेशा से है ना थोड़ी सी बयानी में वीक है मैं आपको सर बताऊँ और हमारा जो जो मेन बयानी चलाते हैं मियाँ नवाज शरीफ वो तो यहाँ पर हैं भी नहीं ठीक है लेकिन मुस्लिम लीग हमेशा अपने काम पर काम करती है और इमरान खान के पास बयानियाँ हैं लेकिन इमरान खान का रिकॉर्ड अभी सामने नहीं है जब हम आएंगे इलेक्शन की कैंपेन में तो हम बताएंगे कि आपने क्या हल किया था और हम किधर छोड़ के गए आपने क्या मुल्क इमरान खान का ये जब महंगाई थी तो इमरान खान ने कहा मैं आलू टमाटर की प्याज की प्राइस देखने नहीं आया हूँ इमरान खान ने इस पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर सताइस मार्च के बाद इमरान से ये नहीं पूछ रहा कोई बंदा तीन साल ऑफिस में क्या सर्थ किया सर्थ जब इलेक्शन होंगे तो पूछेगा इमरान खान से। ये उसके उस बयानिया की सक्सेस है जो एंटी स्टैब्लिशमेंट वाला बयानिया वो जो आप वोट की इज्जत दो का नारा मारते थे ना इस वक्त वो सारा उसने उसको टेक सही से लिया हुआ और लोगों में वो बिक रहा है सर वो कितनी वोट किया वो कितनी वोट की इज्जत करता है कितनी मेरिट की इज्जत करता है वो तो हमको पता है ना नवाज शरीफ की वापसी कब होगी क्योंकि उसके बगैर आपकी जमात मार खाएगी तो मैं, मैं आपको लिख के देने पे तैयार हूँ आपको बुरे तरीके आपको, आपको से. लिखने की जरूरत नहीं मुझे भी मियाँ <laughs> साहब के बगैर इलेक्शन तो जीतना है तो कब वापसी होगी मियाँ साहब की मैं तो चाहता हूँ मियाँ साहब जल्दी आ जाए लाइकलीहुड क्या है सीरियसली आई एम नॉट टू दिस डिस्कशन के मियाँ साहब कब आ सकते हैं बट आई मतलब मैं ये समझता हूँ कीवाज शरीफ कम्स बैक द बेटर इट इज फॉर मुस्लिम लीग क्योंकि मुस्लिम लीग जो है मैं आपको सच बताऊँ देखिए मुस्लिम लीग का नाम मुस्लिम लीग नून है पाकिस्तान में जो जमात होती है ना वो पर्सनलिटी पर चलती हैं ठीक है, है? इमरान खान को हटा दें पी में तो फिर पी कुछ भी नहीं है अगर भुट्टो फैमिली को हटा दें तो पीपल्स पार्टी भी कुछ नहीं है इसी तरह तो मुस्लिम लीग के अंदर अगर मियाँ नवाज शरीफ नहीं है तो पीपल्स मुस्लिम लीग के फिर क्या उसकी क्या वो है वैल्यू राइट सो बगैर नवाज शरीफ के ये पार्टी जो है वो बहुत आगे नहीं जा सकती है तो इलेक्शन जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सो वी नीड नवाज शरीफ बैक सर केयर टेक केयर टेकर से दाइम बनने के नवाज शरीफ को यह होना चाहिए एक सियासी तौर से एक्सपेक्टेशन तो करता हूं। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हाँ। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो उन्हें अक्टूबर में या अर्ली अक्टूबर में टाइम पाकिस्तान उनको वापस होना चाहिए ये... आपके दोस्त दो मैं गुजारिश कर दूँ पहले कि ये कोई आप अगर कोई सोच रहे हैं कि हम अक्टूबर में जा रहे हैं और केयर टेकर सैटअप बन रहा है तो ये गलत है आपकी सोच मेरे ख्याल से हम अगस्त पंद्रह पंद्रह तक है मेरे ख्याल से हमसे मराल हमारी पार्टी और ये कोलिशन हुकूमत जो है वो अपना आखिरी टर्म पूरा करेगी आखिरी दिन तक टर्म पूरा कर टर्म पूरा करेगी ये सर आप कह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड रियालिटीज़ है उसमें तो आर्मी चीफ की नॉमिनेशन के बाद एक्सपेक्टेशन ये है कि केयर टेकर्स को आना चाहिए ताकि ये सियासी फसाद थोड़ा कम हो लेक्चर का माहौल बने फिर जो आएगा वो संभाले आप जी सर दे, दे, मैं, मैं इस बात पे काफ़ी कन्विंस्ड हूँ जो मेरी छोटी सी इंफॉर्मेशन है और छोटी सी राय है नाकस राय है कि हमारी हुकूमत जो है वो इनशाला आखिरी दिन तक रहेगी इस टर्म के और कहीं नहीं जा रही है सर फिर बहुत मार मार नहीं मैं 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 किसी ने मुझसे पूछा था उस दिन तो मैंने कहा था तो कोई पूछा तो मैंने कहा नहीं हम आखिरी हुकूमत आखिरी दिन तक रहेगी पूरा आप मैं मुझे मेरा नहीं पता <laughs> हुकूमत आखिरी दिन तक रहेगी <laughs> क्योंकि ये जो फ्लड्स वाली तबाही है ये आपकी पूरा फिजकल ईयर आपको हर्ट करेगी आपने हार्डली दो ढाई फीसद पर ग्रोथ पे साल खत्म करेंगे इन्फ्लेशन आपका होगा कोई बीस बाईस फ़ीसद के ऊपर साल के अखीर में बजट डेफिसिट भी ऊपर जाएगा क्योंकि आपको ये लोगों की मदद करनी है पैसे भी देने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो तो ये सूरत आपको बहुत अच्छी रोज़ी पिक्चर नहीं है इस फिजिकल ईयर की जिसमें कोई बंदा सोचे कि मैं तीस जून पार करके जाऊंगा जो जस्ट जो भी है आ, आ, और अल्लाह ताली हमारी मदद करेगा इन शाह तम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम जा नहीं रखें लास्ट वन लाइन सर एनी गुड स्टेटमेंट ऑन एक्सचेंज रेट सर उन्नीस सौ चौरासी के अंदर मैंने मनी एंड बैंकिंग का एक कोर्स लिया था पिट्सबर्ग पेंसिलिया में एक यूनिवर्सिटी में डुकैन यूनिवर्सिटी में तो जो प्रोफेसर था उसने यह कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर शुड नेवर बी यू नो स्पेकुलेटिंग अबाउट मनी एक्सचेंज रेट्स उस पर मुझे नहीं पता कि मैं किसी से बच जाऊँगा बट आई स्पेकुलेटिंग मफ्ता इसमाइल साहब वजी खजाना पाकिस्तान बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए